तुझे आकाश ऊपर तले शायद किसी बदरी में लिपटी हुई तू मिले ग्रुप का नाम ओ माय गॉड अरे वाह क्या नाम है ओ माय गॉड इज रियली द परफेक्ट नेम फॉर यू ऑल बिकॉज़ ओ माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस थैंक यू सुपर परफॉर्मेंस छठा सीजन है इंडियाज गॉट टैलेंट का मैं सोचती हूँ अब नया क्या करेंगे लोग इतना कुछ हो गया इस मंच पर इतने एक्ट्स आ चुके हैं लेकिन ये हिंदुस्तान की जनता जो है ना ये हमें सरप्राइज कर ही देती है आप लोगों की इमेजिनेशन इतनी खूबसूरत है कि उस कुछ ना कुछ नया आप इजाद कर ही लेते हैं जिसे हमने पहले कभी ना देखा हो फैंटास्टिक थैंक यू ये जो एरियल सिल्क एक्ट आपने जो किया था वाकई इसका विजुअल के साथ जो कॉम्बिनेशन था इट वॉज डेफिनेटली अ फर्स्ट आपका गिरना आपका पानी के अंदर डूबना शार्क से बचना इट वॉज ऑल वेरी इंटरेस्टिंग थैंक यू सर
प्रोफेशनली करते क्या करते हैं आप? यही प्रोफेशनली यही करता हूँ। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं? पापा अभी भी कंफ्यूज हैं इस चीज को लेके। पर मम्मी सपोर्ट करती है। पापा कंफ्यूज क्यों हैं? पापा कंफ्यूज हैं, कहते हैं कि क्या कर रहे हैं, लाइक हाँ, ही इज नॉट श्योर कि इसमें करियर नहीं कोई फ्यूचर है। चेहरा क्यों धुंधला सा लगता है, क्यों अनगिनत ख्वाहिशें, ख्वाहिशों का पहरा क्यों ठहरा सा लगता है, क्यों ये गलत ख्वाहिशें, हर मोड़ पर फिर से मुड़ जाती है, खिलते हुए पल में मुड़ जाती है, बेशरम फिर भी शर्माती है ख्वाहिशें, उलझी हुई कश्मकश में उम्र कट जाती है, मुंबई की फिजाओं में सांस लेती इतनी सारी ख्वाहिशों को इंतजार रहता है मौके का। हमारे अगले कंटेस्टेंट को भी सपने सच करने की जिद आसाम से मुंबई खींच लाई। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.